हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिश एक्वेरियम वाटर हीटर कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है यह देखेंगे। ये हमारे पास एक फिश एक्वेरियम वाटर हीटर है। इसका इस्तेमाल हम सर्दियों के मौसम में एक्वेरियम का जो पानी होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, जिससे कि अगर ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो जो पानी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। इसलिए जो फिश के लिए जो टेम्परेचर हमको 32 डिग्री के आसपास रखना पड़ता है तो उस पर ये मेंटेन रखेगा। जितना हम इस पर टेम्परेचर सेट करेंगे उस हिसाब से एक्वेरियम का जो वाटर है उसका टेम्परेचर ये ऑटोमेटिकली मेंटेन रखेगा। ये जो हमारे पास हीटर है ये इसका जो वाट है यानी कि 75 वाट का है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट इसकी इनपुट पावर सप्लाई एसी, और ये 50 और 60 फ्रिक्वेंसी में इजीली वर्क करता है। और इस हीटर की खासियत क्या है फ्रेंड्स कि इसको हम पानी के अंदर डुबा के रखते हैं। ये इसमें यहाँ तक पानी में डूबा होना चाहिए, इतनी वायर अंदर, यानी कि जो हमारा फिश एक्वेरियम बॉटम होता है उसमें या तो खड़ा भी रख सकते हैं, अगर टेढ़ा रखना चाहें तो उसको टेढ़ा भी रख सकते हैं। और इसके अंदर ये जो इसका बाहर का जो ये है ये एक ग्लास है, ग्लास के अंदर एलिमेंट और ये इधर एलिमेंट दिख रहा है, ग्लास के अंदर में है, इसके अंदर पानी नहीं जाता। जब भी इसको निकाल लेते हैं, ये एक ग्लास का है, और जब इसमें हम पावर देते हैं ये इतना एरिया इसका गर्म होता है, और यहाँ जैसे ही हम इसमें पावर कनेक्ट करेंगे ये इंडिकेशन देता रहेगा, इधर यहाँ रेड कलर का इंडिकेशन देगा, और ये हमको दिख, ये देखिए ये जो कैमरे में अभी दिख रहा है ये इसका थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट मतलब हमको जो भी टेम्परेचर में पानी का रखना है उस हिसाब से हम इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट ये अगर इसको इधर घुमाएंगे तो टेम्परेचर को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नॉर्मली हम 32 डिग्री से तक हाईएस्ट इसका, और लो टेम्परेचर जो इसका सबसे कम 18 डिग्री से 32 डिग्री तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ये इधर नोब है, इसको घुमाएंगे तो हम जो हमारे थर्मोस्टेट की जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर को कम भी कम में सेट करना है तो कम में, अगर बढ़ा के करना है तो इसके जरिए हम सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, इस हीटर की हमेशा ध्यान यही रखना हमको, इतना पानी में डुबा कर रखना है, पानी के अंदर रहेगा ये, इतना बाहर रहेगा तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको पानी के अंदर ही रखते हैं। एकदम वाटर प्रूफ है फ्रेंड्स ये, और ये ऑटोमेटिकली जिस जैसे कि हमने इसमें 24 डिग्री या 32 डिग्री या कोई भी हम इसमें टेम्परेचर अगर सेट कर देते हैं, 28 डिग्री अगर हमने इसमें सेटिंग किया है थर्मोस्टेट का, तो ये 28 डिग्री पे मेंटेन रखेगा कुछ टाइम तक, ये ऑन रहेगा जब तक 28 डिग्री टेम्परेचर आएगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और फिर पानी का जो टेम्परेचर है कम होगा, अगर 28 डिग्री से कम होता है सर्दियों के मौसम में तो उस टाइम ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यानी कि हम जिस पे इसको सेट करना है, हमारी फिश के लिए जो पानी जितना टेम्परेचर पे हमको उसको मेंटेन करना है ये ऑटोमेटिकली मेंटेन करता रहेगा, पानी का एक टेम्परेचर बना के रखेगा। तो और ये हमको पता लगेगा कि इजीली जैसे ही ये थर्मोस्टेट काम करता है साथ में ये इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, जब पानी का टेम्परेचर ये जो हमने सेट पॉइंट डाला है इसके अंदर 28 डिग्री, इससे अगर ज्यादा होता है तो ये ऑफ रहेगा, और उससे कम होते ही ये ऑन हो जाएगा, उससे हमको दूर से ही पता लग जाएगा हमारा हीटर
काम कर रहा है पानी के अंदर ही, यहाँ रेड कलर का एक इंडिकेशन देगा। और साथ ही साथ जब ये ऑन रहता है तो ये रेड कलर का एलिमेंट रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है, यानी कि जब गर्म होता है तो ये रेड कलर का हो जाता है। तो इससे इसकी सेफ्टी यही रखनी है हमको, एक तो ये गिराना नहीं है, गिराएंगे तो ये बाहर का जो ग्लास है वो टूट जाएगा, दूसरा हमको इसको पानी से बाहर नहीं रखना, ये यहाँ तक का पानी में डूबा हुआ होना चाहिए, अगर थर्मोस्टेट भी हमारा बाहर रह गया पानी में तो भी ये खराब हो जाएगा। और इसका काम करने का तरीका यही है फ्रेंड्स कि इसके अंदर एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो कि थर्मोस्टेट में इनपुट पावर सप्लाई है, यानी कि फेज कनेक्ट किया गया है, और थर्मोस्टेट के आउटपुट में एलिमेंट को पावर गई है, और न्यूट्रल बाईपास रहता है। जैसी थर्मोस्टेट को जो पानी का टेम्परेचर है, पानी का जो टेम्परेचर है 28 डिग्री तक इसको मेंटेन करना है, 28 डिग्री आते ही टेम्परेचर ऑटोमेटिकली थर्मोस्टेट ऑफ हो जाएगा, यानी कि ऑफ कर देगा उसको, आगे एनसी से एन हो जाएगा, उस टाइम जो हीटर है वो बंद हो जाएगा, फिर पानी का टेम्परेचर गिरेगा उस हिसाब से 27 डिग्री आएगा तो ऑटोमेटिकली ऑन करता रहेगा। तो ऐसे ये काम करता है, हमको इसकी तरफ इसका ध्यान भी रखना है, एक तो गिरने से बचाना है, दूसरी इसको हम पानी के अंदर ही डूबो के रखें, क्योंकि फुल वाटरप्रूफ है, खराब नहीं होता, यहाँ इसके अंदर इस साइड यहाँ ये नेगेटिव और पॉजिटिव के जो ये बना लिख रखे हैं उस हिसाब से हम इसकी यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं घुमा के। ये देखिए ये फिश एक्वेरियम के अलावा हम इसको यूज करते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको चाहे वहां यूज कर सकते हो। हाईएस्ट टेम्परेचर तक लेके जाएगा 32 डिग्री और लो टेम्परेचर है 18 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री से 32 डिग्री तक मेंटेन करेगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। और इजीली इसमें 2 पिन टॉप है, इसको हम हमारे घर की जो पावर है 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एसी वोल्ट जो हम टीवी फ्रिज चलाने के लिए यूज करते हैं वही पावर, उसी पावर सॉकेट में इसको लगा करके हम चालू बंद करवा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।